आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन में बाजार खोलने को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी आईजी नवीन अरोड़ा से मिले। पदाधिकारियों ने किराना खाद्यान्न के साथ प्लास्टिक की दुकान खोलने की मांग आईजी से की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि लॉकडाउन में अन्य बाजार बंद रहने से व्यापारी परेशान हैं। लॉकडाउन में बाजार खोलने को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आईजी नवीन अरोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल की बात सुन आईजी ने भी अपने सुझाव व्यापारियों को दिए। आईजी साहब से हम लोग आए थे एक औपचारिक मुलाकात करने के लिए। अब सूबे के सबसे बड़े कहना चाहिए आगरा कमिश्नरी के अधिकारी थे, कुछ पुलिस के बारे में भी हम उनसे बात करना चाहते थे। हमारी प्लास्टिक एसोसिएशन के लोग आईजी साहब ने हमको बुलाया भी था, कल हमारे ये लोग आए थे, उन्होंने कहा जरा आ जाना, हम लोग आपसे बात करेंगे। जैसे स्टीकर है और काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ थानों से संबंधित है, कुछ जागरूकता से संबंधित है, वो आगरा के काफ़ी एनजीओ के बारे में जानना चाहते थे। सारा सब उस संबंध में हमने शिष्टाचार मुलाकात करने आए थे, अपने मन की जो बात की और उनका जो मार्गदर्शन था हमने सुन लिया। व्यापार मंडल उसे सहमत। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएम अग्रवाल के साथ पदाधिकारियों ने किराना खाद्यान्न के साथ प्लास्टिक की दुकानें खोलने की मांग आईजी से की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि लॉकडाउन में अन्य बाजार बंद रहने से व्यापारी परेशान हैं। देखिए, बाजार खोलने के लिए बराबर जिलाधिकारियों पर और पुलिस अधिकारियों पर उत्तर प्रदेश शासन इवन मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने ईमेल इसलिए भेजा है कि अब धीरे धीरे पटरी आनी चाहिए। व्यापारी परेशान है, सीजन का टाइम है, पिछले सीजन भी मारे गए व्यापारी हैं, घर पर बैठकर मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमने ये कहा कि जिस तरह खाद्यान्न खुला हुआ है, किराना खुला हुआ है, पैकेजिंग थोड़ा थोड़ा आप खुलवाइए, कम समय खुलवा दी, 4-5 घंटे चले, जिससे बाजार में चहल पहल हो। उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी, हम चाहते हैं कि जिले के बाहर का जो ग्राहक आए, जो जिले के बाहर से आए, वो लोग बीमारी से नहीं आए, वो लोग कोविड लेके नहीं आए। व्यापारियों को हम बराबर स्टीकर दे रहे हैं, व्यापारियों से अपील कर रहे हैं, सारा सब कुछ बातें कर रहे हैं कि किसी तरह भी महामारी को पलटा नहीं आना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि किराना खाद्यान्न के साथ आवश्यक रोजमर्रा के सामान की दुकान भी निर्धारित समय पर खुलवाई जाएं, जिससे व्यापारी अपना रोजगार चला सकें। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।